एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो भी मेन टाइप्स ऑफ चेक होते हैं, जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो सारे वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बनाए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, तो प्लीज आप लोग जरूर देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेल चेक के बारे में। अगर आप चेक से पेमेंट लेने जा रहे हैं, बैंक में चेक प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आपको स्टेल चेक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई चेक भरते हैं तो उसमें डेट जरूर डालते हैं, बिना डेट के वो चेक वैलिड नहीं माना जाता है। जो भी डेट हम उस चेक पर डालते हैं, वो चेक उस डेट से 3 महीने तक वैलिड रहता है। आप डेट वाले कॉलम के ऊपर देख भी सकते हैं, चेक पर लिखा भी रहता है वैलिड अप टू 3 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेक पर जो डेट पड़ी हुई है, वो चेक उस डेट से 3 महीने तक वैलिड है। उस डेट के अंदर अंदर कभी भी बैंक में जाकर के अपना पेमेंट ले सकते हैं या बैंक में वो चेक प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर चेक की डेट 3 महीने से 1 दिन भी आगे बढ़ती है, तो फिर वो चेक वैलिड नहीं रहता है। ऐसे चेक को हम बोलते हैं स्टेल चेक या फिर आउटडेटेड चेक। और अगर आपके पास जो चेक है उसकी डेट 3 महीने से आगे बढ़ गई है, तो वो चेक स्टेल चेक है। अब उसको अगर आप बैंक में लेकर के जाएंगे, तो बैंक आपको पेमेंट देने से मना कर देगा। और अगर आप उस चेक को क्लियरिंग में प्रेजेंट करेंगे, तो वो चेक आपका बाउंस हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आप चेक से पेमेंट लेने जाते हैं या फिर चेक को प्रेजेंट करते हैं बैंक में, तो आपको सबसे पहले डेट ध्यान से देख लेनी है कि वो चेक वैलिड है या नहीं। कोई भी आपको पेमेंट के लिए चेक देता है, तो आपको उसकी डेट जो है वो ध्यान से देखनी है। चेक पर जो डेट है, वो डेट से 3 महीने के अंदर अंदर आप पेमेंट ले सकते हैं। और अगर उससे 1 दिन भी क्रॉस हुई, तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो चेक पर डेट हमेशा देख लीजिए कि इस पर क्या डेट पड़ी हुई है, और उन्हीं 3 महीने के अंदर जरूर से जाकर के अपना पेमेंट ले लीजिए, नहीं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। वीडियो यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।